राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। मेरे दिन की शुरुआत सबसे पहले सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ होती है। पहले सुबह उठ के मंजन करना, बाकी थोड़े बहुत जो अपने लिए काम होते हैं करना होता है। उसके बाद फिर मेरा कैमरा उठ जाता है और फिर मैं टहलने चली जाती हूँ तैयार होके, मतलब शूज पहन के। बाकी और कोई तैयारी नहीं होती, जैसे ड्रेस रहते हैं, बाल वाल भी कंघी नहीं करना होता, मतलब जैसे रहती हूँ मंजन करके, पानी पी के, दवा लेके, बस शूज पहन के टहलने निकल जाती हूँ और फ़ोन उठा लेती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं रहता मुझे कि कंघा करूँ या फिर तैयार हूँ, जैसे रहता है फेस वैसे चल देती हूँ। और सिर्फ मेरे चेहरे पे एक चीज़ रहती है जो कि मेरी स्माइल मेरे साथ हमेशा रहती है, और मैं कोशिश करूँगी इस स्माइल को अपने पूरे जब तक रहूँ तब तक रख सकूँ, क्योंकि मेरी स्माइल ना मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देती है, हिम्मत देती है। और मैं टहलने गई हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुबह हो चुकी है, लाइट भी जल रही है अभी, लेकिन सुबह हो चुकी है। और बस टहल के लौट के आऊँगी घर, घर के सारे काम करूँगी। अगर मैं एक दिन टहलने ना जाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कुछ मिस कर दिया है इस चीज़ का ना। पूरा दिन मुझे बार बार दिमाग में यही रहता है कि आज तो मैं टहलने नहीं गई, आज तो मैं टहलने गई। कोई भी काम करके उठूँ ना, बस दिमाग में ये चीज़ आता है कि आज तो अपने लिए टाइम निकाला ही नहीं, आज तो वॉक करने गए ही नहीं, तो बार बार दिमाग में ये रहता है। तो दिन भर बार बार सोचने से अच्छा है कि पहले वो काम करो जिसके लिए आप, मतलब जिसके लिए आप अच्छा फील करते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे टहलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। घर आने के बाद सब्जी कट करी, आज बनाएंगे कुंदरू की सब्ज़ी, बहुत दिन बाद, शायद बरसात में पहला सीज़न है जब से हम बरेली से आए हैं, मतलब जून में ये पहली सब्ज़ी बन रही है कुंदरू की, अब तक नहीं बनी है। पसंद करते हैं बच्चे लेकिन ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लहसुन, हरी मिर्ची का तड़का लगाया, हल्दी डाला है थोड़ा सा, बस कुंदरू को छौंक दिया है। इसमें मसाले जाएंगे थोड़े से लास्ट में, और अब गर्म पानी किया है एक गिलास, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। और पहले एक गिलास पानी पी के जाते हैं, सिंपल पानी पीते हैं, इसमें कोई भी ना नींबू रहता है ना ही शहद रहता है, गर्म पानी होता है सिर्फ, सिंपल। पहले पीते थे नींबू पानी वाला तो, जो कि मुझे सूट नहीं करता था पानी, तो फिर हमने सिंपल पीना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सब्जी भी देखते रहते हैं और किचन में जो है बैठ के अपना पीना, पानी पीना होता तो ऐसे काम भी करते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा किचन में ही रहते हैं। तो सब्ज़ी अच्छे से आप देख सकते हैं क्रिस्पी लाल लाल भुन चुकी है। उसके बाद इसमें ऐड किया है नमक, थोड़ा सा जो ये मसाला बना के रखा था ना भरवा वाला, उसको थोड़ा सा डाल दिया, इसको ढक देंगे। और देखिए सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, एकदम लाल लाल कुंदरू की सब्ज़ी, अच्छी लगती है। रोटी से बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पसंद है, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत खा लेते हैं। गौरी को सबसे ज़्यादा कुंदरू की सब्ज़ी पसंद है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और उसके बाद फटाफट से बना देंगे रोटियां। तो आज बच्चों के लंच में जाएगी कुंदरू की सब्ज़ी, रोटी। रोज़ सुबह उठ के यही सोचना पड़ता है कि आज क्या बना के दें बच्चों के लंच में, क्योंकि सीजन ही वही है, बस कुंदरू की सब्ज़ी, लौकी, नेनुआ, मतलब खा खा के बोर हो गए। अब मसालेदार बनाओ तो बच्चों को वो भी नहीं भाता। सूखी सब्जी बस वही लिमिटेड ही आती है, कुंदरू, लौकी, नेनुआ, मतलब ये सब सारी सब्जियां आती हैं, तो बार बार वही हफ्ते में सब्जियां अगर ख़त्म होती हैं ना तो फिर से वही रिपीट रिपीट होके आती हैं सब्जियां। फिर करे भी तो क्या करे भाई, जो मार्केट में मिल रही है वही बन जाती है। और बच्चों का यहाँ पे लंच बना के पैक कर दिया है, अब घर की साफ़ सफाई होगी, स्नान होगा, पूजा होगा। और आज बाहर मौसम थोड़ा सा ख़राब था, थोड़े से कपड़े थे बच्चों के, एक एक सेट, एक जोड़ी मेरे थे, तो इनको हाथ से धुला, वॉशिंग मशीन से इनको सुखा लिया है, और कपड़े को आज अंदर ही डाल दे रहे हैं, क्योंकि बाहर ऐसा मौसम लगा है ना कि बारिश अब आएगी तब आएगी, तो हमने सोचा चलो अंदर ही डाल देते हैं, हो सकता है कहीं मेरी आंख लग गई और सो गए तो फिर, और फिर आके बस बिंदी लगा लेना है, हो गया मेकअप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9, सारे काम हो चुके हैं फिनिश, सुबह के जितने सारे काम थे। और आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही है और इनके पापा की भी, मतलब स्कूल में बच्चों की परीक्षा चल रही है, तो सब लोग सुबह ही निकल जाते हैं। 6:10 पे बच्चे निकल जाते हैं, 7 हस्बैंड निकल जाते हैं, या फिर कभी कभी ज़्यादा काम होते हैं तो 6:30 ही ऑफिस चले जाते हैं, जैसे परीक्षा होती है तब। बाकी के टाइम में उनका ऑफिस 9 से होता है, 9:30 से होता है। और बस थोड़े से कपड़े थे बच्चों के और मेरे थे 2, तो उनको हाथ से धुला और वॉशिंग मशीन से सुखाया। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना वॉशिंग मशीन का, ये फायदा होता है लेने का, कि बारिश हो या फिर ठंड के मौसम में
जब धूप नहीं निकलती है ना, बदली बदली सी कोहरा होता है, तो बहुत ही बढ़िया होता है। कपड़े सुखा लो, हाथ से धुल लो, ठीक है। पता नहीं क्यों छींक आ रही है। हाथ से धुल लो, ठीक है, लेकिन उसको ड्रायर में सुखा लो और कहीं भी कमरे में डाल दो। तो कमरे में इस साइड उत्तर और दक्षिण दोनों से पतली सी रस्सियां। होता क्या है, बारिश के मौसम में बाहर कपड़े डाल दो ना तो बारिश होने लगती है, तो इससे अच्छा तो बारिश तो हो नहीं रहे लेकिन मौसम बना हुआ है बारिश का, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी आंख लग जाए और बारिश आ जाए तो सारे कपड़े बेकार हो जाएंगे धुला धुलाया, इसलिए हमें सारे कपड़े अंदर डाल दिए। कुछ कपड़े बरामदे में डाले हैं, कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं, और कुछ इधर बरामदे में अगर बाहर की साइड डालो तो वहां रास्ता है आने जाने का, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, किसी के सर पे कपड़े लटकाए रहो तो उधर गाड़ी भी खड़ी होती है, आना जाना भी होता है सबका, तो इधर पीछे की साइड बरामदे में डाल देते हैं कपड़े। बस सुबह आज हमने बनाई थी कुंदरू की सब्जी, रोटी, बच्चे टिफिन ले गए हैं, हस्बैंड तो खा के गए नहीं है, 7:30 बजे कोई खाना खाता नहीं है, आएंगे जब उनका टाइम हो जाएगा खाना खाने। और मैं अपने लिए आज खिचड़ी फाइनली बना के रहूंगी, क्योंकि आज मेरा खिचड़ी खाने का 3 दिन से मन हो रहा है। आज बनाएंगे कल बनाएंगे, बस टाले जा रहे हैं। तो आज मुझे खिचड़ी बनाना ही बनाना है, और वो भी स्प्राउट डाल के, ढेर सारा स्प्राउट डाल के, चावल थोड़ा सा लेंगे, ढेर सारी दालें डाल के, और हेल्दी खिचड़ी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे, अभी 9 बज रहे हैं, वैसे तो मुझे 8-8:30 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी काम ज्यादा हो जाते हैं, इनके पापा चले जाते हैं तो सारे घर के काम टोटली मुझ पर आ जाते हैं, तो मुझे संभालना ही पड़ता है। तो बस घर के काम काज हो चुके हैं, कंघी नहीं किया है, रात में ही कंघी किया था ना, चोटी बनाई थी रात को ही, बाल देख सकते हैं कितने पतले हो चुके हैं, तो रात को ही कंघी की थी, अभी टाइम है नहीं फिलहाल, नाश्ता करना जरूरी है, कंघी करना जरूरी नहीं है, बाद में कर लेंगे, बस सिंदूर बिंदी हल्के से लिपस्टिक टचअप के लिए हो चुका है, बाकी चोटी खुलेगी, रात को खुलेगी, शाम में खुलेगी, कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी पता नहीं है। वीडियो शुरू हो चुका है, आप लोगों से बातें भी हो चुकी हैं, और अब नाश्ता हो जाए फिर खिचड़ी बनाएंगे वो शेयर करेंगे, बस यही पूरा दिन चलता रहता है बनाना खाना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर सबसे पहले आप और मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप सब भी आ जाइए मेरे साथ, नाश्ता कर लीजिए। 2 सेब कट किया है, सेब तो आज हमने छिलके सहित कट किया था, सोचे थे कि छिलके सहित खाएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब हमने थोड़ा सा खाया तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगा, तो हमने सोचा चलो छिलके निकाल देते हैं, छिलके छील के सारे सेब खाए, सोचते हैं छिलके सहित खाएंगे, लेकिन जब खाना होता है ना तो अजीब सा लगता है, कड़वा कड़वा सा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइट लगता है, इसलिए सेब का छिलका निकाल देते हैं। और अब सेब आया है तो खाना तो पड़ेगा ही, वैसे मुझे नाश्ते में स्प्राउट ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन सेब का सारा मतलब छिलका निकाल के हमने खा लिया है और दूध पी लिया है 1 गिलास। इसके बाद अब दोपहर के लंच की तैयारी कर रहे हैं, इसमें लिया है चने की दाल, मूंग की दाल और छिलका वाली उड़द की दाल है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे चावल और बनाएंगे खिचड़ी। अगर आपके पास ब्राउन राइस है तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ब्राउन राइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में, लेकिन अब यहाँ पे व्हाइट राइस ही खाया जाता है तो मैंने यही ले लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्प्राउट लिया है। सबसे पहले जो है ना कुकर चढ़ाया, उसमें 1 चम्मच घी डाला है, जीरा का तड़का डाला है, ज़्यादा घी तेल आप ऑयल में भी बना सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद चॉपर से चॉप करके प्याज लहसुन हरी मिर्ची का तड़का लगाया, इसमें जीरा पहले डाल दिया था, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेट लॉस खिचड़ी होती है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, आप जब भी आपको खाना है तभी बना के खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वेट लॉस में। तो इसमें हमने डाल दिया है टमाटर, हींग डाल दिया है, स्प्राउट डाल दिया है, अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल हो जैसे गाजर हो, शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आलू ना ऐड करें, बाकी कोई भी हरी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी डाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है। इसके बाद जो हमने दाल और चावल का मिक्स तैयार किया था, इसको धुल के रखा था, उसको ऐड कर दिया, इसमें चावल कम है, दालें ज़्यादा है, स्प्राउट है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ये। और कई दिनों से ना मेरा खिचड़ी खाने का मन हो रहा था, पता नहीं क्यों बार बार, तो हमने सोचा मन भी हो रहा है तो आज ही बना ही डालते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से भूना है, मसाले और चावल दाल को अच्छे से भूना है, और उसमें ढेर सारा पानी डाला है, आप देख सकते हैं इसमें चावल की क्वांटिटी कम है, सिर्फ दाल और पानी ज़्यादा है, तो इसमें डाल दिया है सेंधा नमक। सेंधा नमक आप लोग पूछते हैं ना कौन सा नमक यूज करते हो, तो जब हम अपने खाने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं अलग से तो उसमें सेंधा नमक डालते हैं, वैसे अगर पूरे परिवार के लिए कोई चीज़ कुक हो रहा है या सब्जी बन रही है तो उसमें सफ़ेद नमक डालते हैं।
काल कहते हैं ना, अगर हम टाटा नमक नहीं खाएंगे तो हमें आयोडीन की कमी हो जाए, इसलिए आप हो सके तो सेंधा नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिक्स करके रख लें, तो आप उसे यूज करें, या फिर कभी कभी किसी चीज़ में आप सेंधा नमक डाल दें, या फिर किसी चीज़ में आप टाटा वाला नमक डाल दें यानी वाइट, और खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट एकदम लजीज खिचड़ी बनी थी, तो थोड़ा सा खिचड़ी ले लिया है, थोड़ा सा कुंदरू की सब्ज़ी, स्वाद मतलब टेस्ट करेंगे, और ऊपर से धनिया की पत्ती डाली है। आ जाइए आप लोग भी मेरे डिनर में शामिल हो जाइए, वेट लॉस हेल्दी खिचड़ी बनी हुई है, दोपहर के लंच में हमने बनाया था, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया इस खिचड़ी को। वैसे पूछ लो तो कोई नहीं खाते हैं, लेकिन जब उनका मन होता है तो खाते हैं। तो सुबह में सब्जी रोटी बनी थी, दोपहर में खिचड़ी बनी थी, जो कि जिसका मन हुआ खिचड़ी खाया, जिसका मन हुआ सब्जी रोटी खाया, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, बता नहीं सकते, बहुत ही स्वादिष्ट। आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि जब आप टहलने जाते हो तो आप कैमरा बैक से भी शूट करा करो, तो हमने कहा आज आप लोगों को दिखा देते हैं बैक साइड से शूट करके। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी सड़कें हैं, सिर्फ और सिर्फ जंगल है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे हम टहलने जाते हैं। एक ही स्कूल टाइप का है, मतलब अब आपको क्या बताएं, कहते हैं ना कुछ सेफ्टी होती है, बताना मतलब ठीक नहीं लगता मुझे, बाकी और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे टहलने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, यहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हैं, बताते हैं ना कि अगर एक राउंड आप कर लेते हैं तो 2 किलोमीटर की होती है। कैमरे को हमने अपनी तरफ घुमाया है ताकि हम भी आ सकें कैमरे के सामने, और बस शाम के 2 चक्कर, सुबह के 2 चक्कर, या फिर शाम के 1.5 चक्कर हो जाते हैं, जैसा टाइम होता है। शाम को तो ना बतियाना होता है सबसे, कॉलोनी में हमारी जो रहती हैं उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना होता है, दिन भर की जो बातें होती हैं सब लोग बैठ के करते हैं, और फिर शाम को अपने अपने घर चले आते हैं। तो ये होता है मेरा पूरा दिन का रूटीन। और आप लोगों ने कहा था ना बैक कैमरे से दिखाना, तो ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा होता है। बस यहाँ पे आपको पेड़ पौधे हरियाली दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा, या फिर टहलने वाले दिखाई देते हैं जो टहलने आते हैं। शाम के टाइम कम लोग टहलने आते हैं, सुबह के टाइम ज़्यादा लोग आते हैं, और घर आते समय दूध ले आए। तो आज मुझे फिर से बच्चों का मन था कि रबड़ी बनाया जाए, हमने कहा चलो ठीक है, दूध मतलब कल वाला भी रखा था, उसकी चाय वाय बनेगी, चलो आज के दूध की रबड़ी बना देते हैं। बस दूध चढ़ाया है वही, इसमें इलायची उलायची कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब लेवल है नहीं, ना ही हमने मंगाया है अभी तक। दूध को गाढ़ा कर देंगे और एक जला जला के इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, और बन गई हमारी रबड़ी। आप इसे रोटी से खाएं, पूड़ी से खाएं, जैसे मर्जी वैसे इंजॉय करें। सो फ्रेंड, आज की वीडियो को ना यही पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।